हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल व्लॉग्स एंड फोटोग्राफी। सो गाइस, आज मैं आया हूँ असी घाट पे और मैं आज आपको दिखाऊंगा गंगा जी में पानी की बात की जो घाट की स्थिति है वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो गैस, अभी आप देख सकते हो हमारे सामने ये पानी के प्रेशर द्वारा मिट्टी जो जमा, सिल्ट जो जमा हुई है बाढ़ के पानी के बाद, उसको साफ किया जा रहा है। तो आप हमारे सामने गंगा महल घाट देख रहे हैं एंड ये जो लिखा हुआ है गंगा महल घाट, यहाँ तक पूरी तरीके से ये डूब चुका था बाढ़ के पानी की वजह से। और बाढ़ के पानी घटने के बाद आप देख सकते हो पानी कितना ही कम हो गया है और पानी कहाँ तक चला गया है। तो अस्सी घाट है, ये बनारस के प्रसिद्ध घाटों में से एक है। ये है घाटों का शहर बनारस। आप हमारे सामने लोगों की ये जो भीड़ देख रहे हैं, 10 सितंबर से पितृपक्ष यानी श्राद्ध स्टार्ट हुआ है और इस ये 16 सितंबर तक चलने वाला है। इसमें लोग अपने पितरों यानी पूर्वजों को पिंडदान करते हैं, उनको श्राद्ध अर्पण करते हैं। चलिए गाइस, मैं आपको लेके चलता हूँ सुबह बनारस की साइड में। ये अस्सी घाट पे आरती के लिए, शाम की आरती के लिए सामान इकट्ठे कर दिए गए हैं एंड ये आरती बंद कर दी गई थी बाढ़ के पानी आने की वजह से, यहाँ पे बंद हो गई थी, लेकिन अभी फिर से स्टार्ट कर दिया पानी कम होने की वजह से। मौसम भी आज बहुत ही अच्छा है। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं सुबह बनारस साइड में। बाढ़ के पानी की वजह से ये सारा का सारा डूब गया था, लेकिन अब बाढ़ का पानी कम होने के बाद आप देख सकते हो सुबह बनारस तो अच्छे से दिख रहा। अभी हमें यहाँ अस्सी घाट पे घूमते हुए मैं दो हैदराबाद के फ्रेंड्स लोगों से मिला और इनसे अभी जानेंगे कि इनको बनारस कैसा लगा, इनका वाराणसी का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा लगा, उतनी दूर से ये ट्रेवल करके आए हैं। सो कुछ बात तो होगी हमारे बनारस में जो ये इतनी दूर से ट्रेवल करके आए हैं। सो अभी जानते हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस। अभी हम अपने फ्रेंड्स लोगों से जानेंगे कि इनका वाराणसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो बताइए आपका एक्सपीरियंस बनारस के बारे में कैसा रहा। हेलो गाइस, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड कम हियर एंड शुड विजिट द बनारसी एंड वी कैन कॉल इट एज अ वाराणसी आल्सो। वी कैन एबल टू सी हियर द अस्सी घाट एंड वी हैव नियरली 59 घाट्स हियर। इट इज अ वन टाइम लाइफ एक्सपीरियंस, यू शुड कम एंड सी एंड यू हैव टू सी हाउ द पीपल आर गेटिंग बरीड हियर एंड you should come at least once in a lifetime. So just come here and just see the people, see the culture and see how the people are burying. Just come and just enjoy the experience of Varanasi. आप हमारे सामने देख सकते हो कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद बोटिंग भी स्टार्ट कर दी गई है, लोग बोटिंग के लिए घाटों पे आ रहे हैं। जब घाट की सफाई का काम पूरा हो जाएगा एंड घाट की सीढ़ियाँ और भी क्लीन हो जाएंगी एंड आप अस्सी घाट से होते हुए आप रविदास घाट तक जा सकते हैं। वो रहा हमारा रविदास घाट और वो है हमारा सामने घाट का ब्रिज,
जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, दिखाया था उसके बारे में। आने के दो रास्ते हैं घाट पर प्रवेश करने के, जिनमें से दोनों एक रास्ता ये भी है। ये जो रास्ता है ये चला जाएगा रविदास घाट, रविदास पार्क के साइड, और इसी इस रास्ते से होते हुए आप 80 से लंका निकल जाएंगे। 80 घाट पर एंट्री करने का पहला रास्ता, सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, राहुल ब्लॉग्स एंड फूड्स बेल आइकन दबाना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए।